हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। एंड वेबजी के रिज़ल्ट तो आ गए हैं, फर्स्ट राउंड के रिज़ल्ट, लेकिन उसके कारण भी बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। बहुत सारे बच्चे के बहुत सारे डॉट्स हैं, ठीक है। कुछ बच्चे का ये और अधिकतर बच्चे का ये क्वेश्चन है कि मेरे तो रैंक भी ठीक ठाक है, बट मुझे फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज नहीं मिला। देखिए, इसमें मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, इसमें ये हो सकता है कि आपने चॉइस फिलिंग में ही गलती करा होगा, ठीक है। क्योंकि वेबजी के अंदर क्या होता है, कैसे वो कॉलेज अलॉट करते हैं, वो आई डोंट थिंक कि किसी को पता होगा नॉर्मली, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये हो जाता है कि आपने चॉइस फिलिंग क्या करा था। बहुत सारे बच्चे के ये मैसेज आते हैं कि मेरा 13,000 रैंक था, मेरा 14,000 रैंक था और मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला। तो देखिए, मैं बार बार यही चीज़ को दोहराते आ रहा हूँ कि चॉइस फिलिंग प्लीज़ सही से करिएगा। देखिए, हो सकता है कि जिनको भी ऐसा प्रॉब्लम है, ज़रूर आप लोग हम कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को बताइएगा कि क्या आपने चॉइस फिलिंग में, या हो सकता है कि 13,000 मान लीजिए किसी का रैंक है या किसी का 15,000 रैंक है, वो क्या किए होंगे कि सबसे जो पहले वो CS या IT टॉप ब्रांच और टॉप कॉलेज भर दिए होंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो आप जादवपुर के अंदर सारा का सारा भर दिए हो, या हो सकता है अगर आप वेस्ट बंगाल से हो तो कल्याणी के अंदर भर दिए होगे, जलपाईगुड़ी के अंदर भर दिए होगे, IIM के अंदर भर दिए होगे, ठीक है, जो मेन ब्रांच CS भर दिए होगे, ठीक है। तो हो सकता है उस कारण भी आपको फर्स्ट राउंड के अंदर अलॉट नहीं हुए हो। एंड अगर आपके रैंक 10,000, 12,000, 15,000, इवन 17,000-18,000 के अंदर भी है, तो आप लोग चिंता मत कीजिए, क्योंकि सेकेंड एंड थर्ड राउंड बाकी है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड मुझे लगता है कि सारा का सारा आपके चॉइस फिलिंग में ही गड़बड़ हुआ होगा, इसीलिए आपको कॉलेज नहीं मिले। और जिन भी बच्चों का ऐसा कोई दिक्कत है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताइए कि आपने चॉइस फिलिंग क्या करा था, आपने ऑर्डर क्या रखा था, कॉलेज का ऑर्डर क्या रखा था, ब्रांच का ऑर्डर क्या रखा था। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है, तो मैं सभी को यही कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग टेंशन मत लीजिए, बिकॉज हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का प्रॉब्लम है कि मेरे इतने हज़ार रैंक है फिर भी हमें नहीं मिला, ठीक है। एंड बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा हाई रैंक है, दैट मीन्स कि 40,000 से ऊपर है, 45 से ऊपर है, एंड उनको भी नहीं मिला। तो उनको नहीं मिला तो एक रीज़न हो सकता है क्योंकि उन्होंने भी वही गलती करा होगा, जिन भी कॉलेज के बारे में उनको पता होगा वो कॉलेज भरे होंगे और उस रैंक पे उस कॉलेज का मिलना मुश्किल है। समझ रहे हो बात को आप लोग? तो ये चीज़ें आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने भी मान लीजिए आपने फर्स्ट राउंड में किसी भी कारणवश से आपने पार्टिसिपेट नहीं करा है, ठीक है, आपने या तो आपके डॉक्यूमेंट्स गलत हो गए उसके कारण, या आपने लॉक नहीं करा उसके कारण, ठीक है। तो मैं आप लोगों से अगेन कहूँगा कि गाइस, जिस चीज़ का उम्मीद रहता है ना, बहुत सारे जो भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, वही सेम चीज़ अगर आप लोग गलती कर दे ना, तो बहुत दुख होता है। प्लीज़ ये गलतियाँ ना करें। मैं मेरा कह के मुँह थक गया कि ये नहीं करना है, ऐसे करो, ऐसे करो, वैसे करो, लेकिन फिर भी आप लोग वही गलती करो। गाइज, मैं पता है, मैं बहुत दिल से आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोग वीडियो पूरा का पूरा देखा करें, आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। हर एक चीज़, मतलब हर एक छोटा छोटा चीज़, अगर मेरे बातों को भी आप लोग ध्यान से सुन लोगे ना, तो हो सकता है कि आप लोग गलती ना करो और जहाँ पे पहुँचना चाहिए वहाँ पे पहुँच जाओगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको पूरा का पूरा नॉलेज नहीं है, लेकिन वो सच में डिज़र्व करते हैं एक अच्छे कॉलेज और एक अच्छे ब्रांच के लिए। प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए आप लोग। एंड जो भी सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कीजिएगा, अभी टाइम है। मैं बार बार इस चीज़ को फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग ये ज़रूर कंफर्म कर लीजिए कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरा का पूरा परफेक्ट है, ठीक है। अभी चॉइस फिलिंग के बारे में
चाहो तो आप पीछे का भी वीडियो देख सकते हो, लेकिन जब भी सेकंड राउंड चालू होगा वहाँ भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों की जो कमेंट्स आते हैं लगभग मैं सभी बच्चों को जवाब दे देता हूँ, और अगर मैं जवाब नहीं दे पाता तो मेरा अगला वीडियो उसी से रिलेटेड होता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे के ये क्वेश्चन है कि अगर मैं अपग्रेड करूं एंड अपग्रेड करने के बाद भी मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा तो क्या होगा। देखिए, आप जब अपग्रेड करते हो ना तो दो चीज़ होता है, या तो आपको जो कॉलेज मिला होता है उसके अलग कॉलेज आपको मिलते हैं, और ब्रांच भी हो सकता है डिफ़र हो। और अगर मान लीजिए आपको कुछ नहीं मिलता है तो आपको जो पहले मिल रखा है वही आपको मिलता है। पिछले सालों में मैंने ये देखा था कि बहुत सारे बच्चे ने अपग्रेडेशन के अंदर यानी कि थर्ड राउंड तक सेम का सेम ही रह गया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, और ज़्यादा से ज़्यादा चेंज भी हुआ तो सिर्फ कॉलेज सेम ही रहे, ब्रांच चेंज हो गया, ठीक है। तो लेकिन इस बार थोड़ा बहुत चेंजिंग होने के कारण हो सकता है कि आपको कॉलेज अच्छा भी मिले एंड हो सकता है कि कांस्टेंट ही रह जाए जो आपका है, ठीक है। तो ये टेंशन मत लो आप लोग कि आप लोगों को कॉलेज नहीं मिलेगा तो क्या होगा, बिकॉज़ नहीं मिलेगा तो जो आपको पहले वाला है वो कांस्टेंट ही रहेगा, और अगर मिल गया तो आपका पीछे वाला सीट आपका खाली हो जाएगा, आप नए सीट पे अलॉट हो जाओगे, एंड देन आप लोग फिर से अगर आपको पसंद नहीं आते हैं तो ज़रूर आप लोग फिर से अपग्रेड करवाओ। आपके पास अभी लग्जरी है, जो भी बच्चे अपग्रेडेशन करवाना चाहते हैं उनके पास लग्जरी है, आप टेंशन मत लो इन सब चीज़ों का। कुछ बच्चे को ये भी प्रॉब्लम हो रहा है कि मुझे फल्ला कॉलेज मिल गया है एंड मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा कि मैंने जितने भी अच्छे अच्छे कॉलेज हैं ख़ास के वेवजी के अंदर, उसके बारे में मैंने बात करा है, ठीक है। एंड है तो हज़ारों कॉलेज, इसका कोई वो, बहुत सारे बच्चे हर एक जगह पे जाते हैं, लेकिन जो अच्छे कॉलेज है, जो रेप्यूटेटेड कॉलेज है, ठीक है, जिसमें आपको कुछ ना कुछ अच्छा करने को मिल सकता है, जिनका कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, जिनका प्लेसमेंट थोड़ा बहुत अच्छा है। देखिए, वेवजी के अंदर आप लोग बहुत ही ग्रेट कहते हैं ना कि प्लेसमेंट का अगर आप लोग उम्मीद रखते हो तो ये उम्मीद मत रखना, वो आपके मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हो और आप कैसे परफॉर्म करते हो यहाँ पे, ठीक है। इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना, जो भी बच्चे वेबजी में फ़िलहाल अभी आप लोग एडमिशन करवा रहे हो, क्योंकि बहुत ही अच्छा सिनारियो नहीं है, ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को चाहे आईएम मिल रहा है या सीए आईएम सीएस मिल रहा है, आईटी मिल रहा है, सबसे पहले आप ये देखो कि आप इंटरेस्टेड किस चीज़ में हो, ठीक है, आपका ब्रांच क्या इंटरेस्ट है, किस ब्रांच में इंटरेस्ट है आपका, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बिकॉज़ बहुत सारे बच्चे मैंने अपने आँखों से देखा है कि बहुत सारे बच्चे वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते, बहुत सारे रीज़न है इसके, ठीक है। तो इन चीज़ों को ज़रूर आप लोग ध्यान में रखिएगा, एंड जिन्हें भी मान लीजिए आप लोग को आईएम मिलता है या हल्दिया मिलता है, हेरिटेज मिलता है, तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है, इसके और भी कॉलेजों के कंपैरिजन में, समझ रहे हो बात को। तो अगर आप चाहो तो लॉग भी कर सकते हो, अगर आपको अपने मन का ब्रांच मिल गया है तो, या चाहो तो आप अपग्रेड भी कर सकते हो, क्योंकि इससे बुरा आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको हेरिटेज मिला है तो कोई वैसा कॉलेज मिल जाएगा जिसका नाम ही कभी आपने नहीं सुना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखना, एंड आपको 100% कॉन्फिडेंस है कि नहीं, मुझे ब्रांच भी अच्छा मिल गया, कॉलेज भी अच्छा मिल गया, तो मैं कहूँगा कि आप लॉक कर लो, ठीक है, आप सीट एक्सेप्ट कर लो। बिकॉज़ अपग्रेडेशन में भी क्या पता कि आगे मिले या ना मिले, ठीक है, वही सेम चीज़ आपके मन के लायक मिले या ना मिले, वो टोटली आप पे डिपेंड है, ठीक है। तो जैसे बहुत सारे बच्चे यूआईटी बर्दवान एक कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, बट अगर आप मेरी मानो तो मैं कहूँगा कि उससे बेहतर है आप आईएम में एडमिशन ले लो या टेक्नो के अंदर एडमिशन ले लो, ठीक है, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त वहाँ पढ़ते थे एंड अनफॉर्चुनेटली वो 1 ईयर करने के बाद भी वहाँ से निकल गए,
कहीं और ले लिया। तो मुझे अब तो इतना मार के ये कॉलेज नहीं लगते हैं, जबकि वो गवर्नमेंट भी है। तो ये सारा का सारा डिपेंड आप पे करता है कि आपका क्या सोच है, आप यानी कि कैसा कॉलेज चाहते हो, आपका ब्रांच क्या इंटरेस्ट, ये टोटली, क्योंकि हर एक आदमी का अपना अपना थॉट होता है, परसेप्शन होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग भी ज़रूर जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसके अंदर आप लोग अपना प्रेजेंस ज़रूर दिखाइए, बिकॉज आप जब प्रेजेंस अपना दिखाओगे, जब मैं अपना दिखाऊँगा, तो ही जाके एक अच्छा कंक्लूजन आपको भी मिलेगा एंड मुझे भी लगेगा कि आप लोग इन्वॉल्विंग हो एंड मुझे आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट देने हैं। सो इन बातों को समझिए, बिकॉज हजारों बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, जो गलत डिसीजन लेके पैसे भी बर्बाद कर लेते हैं, टाइम भी बर्बाद कर लेते हैं, ठीक है, एंड कॉलेज भी उन्हें ढंग का नहीं मिलता है। वेब जी के साथ यही प्रॉब्लम है, जो कुछ एक कॉलेज को अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे बच्चे सिर्फ पैसे ही वेस्ट करते हैं एंड कुछ समय के बाद वो वहाँ से या तो निकल के कहीं और किसी दूसरे स्टेट में जाके या फिर से जेई मेंस का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। तो यही सब चीज़ होता है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास जिन्हों आपको अच्छा कॉलेज का ऑप्शन अगर मिल रहा है तो आप लोग ज़रूर जाएं, अदरवाइज सोचें, पेरेंट्स से बात करें, या आपका क्या मोटिव है आगे का, फ्यूचर का, वो सब चीज़ सोचें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। एंड मैं ज़रूर एक चीज़ आप लोगों से कहूँगा कि आप लोगों को अगर कंटेंट पसंद आते हैं तो भाई प्लीज़ शेयर कीजिए, बिकॉज शेयर कीजिएगा लोगों को पता चलेगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि गलतियां करते हैं, वो गलतियां करने से बच जाएं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आया होगा एंड अगर ये कंटेंट पसंद आया हो तो ज़रूर आप लोग लाइक कीजिएगा वीडियो को एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।